अस्सलाम वालेकुम सभी असातिज़ा के खिदमत में सलाम अर्ज है। कोविड 19 के तकलीफ दा 2 साल के बाद हमारा स्कूल दोबारा शुरू हो चुका है और तमाम नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे साथ हमारे सामने दोबारा हैं। यूं तो इस पूरे वक्फे में पूरे पीरियड में हमने बड़ी ही मेहनत और मशक्क़त के साथ अपने बच्चों पर ऑनलाइन तदरीस की है, ऑफलाइन भी उनके घर पर जाकर उनसे किसी ना किसी तरीके से ताल्लुक बनाकर उनके घर हम गए और हमने ऑफलाइन भी तदरीस की है। क्योंकि हम तमाम असातिज़ा का मानना है नक्श है सब ना तमाम पुने जिगर के बगैर, नगमा है सौदाए काम पुने जिगर के बगैर। आज इस उर्दू शिक्षण परिषद में हम एक बार फिर तमाम असातिज़ा एक साथ जमा हुए हैं इसी मकसद से कि किस तरीके से हम अपने बच्चों पर आसानी के साथ स्मार्ट तरीके से अच्छी तदरीस करके उनको काबिल बना सके। हम जानते हैं कि हमारे बच्चे इन 2 सालों में काफी तालीम के मैदान में काफी पीछे हो चुके हैं, बावजूद हमारी तमाम तर कोशिशों के हम उस लेवल पर उस मेयार पर उनको नहीं पहुंचा सके। इसीलिए मैं मोहतरम जनाब कलीमुद्दीन साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि असातिज़ा की तड़प को उन्होंने जाना, उन्होंने समझा और खास तौर से उर्दू असातिज़ा के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुहैया किया कि तमाम लोग एक साथ जमा होकर अपने जो भी अपने जहन में जो चीज रहती है वो आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता 3 तरीके से वो हमारे जहन की उलझनों को क्लियर करके एक नई रोशनी और नया रास्ता बताने की कोशिश करना उनकी है। और उनकी जो तड़प है इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम तमाम असातिज़ा के दिल की तड़प और सर साहब के दिल की तड़प ये दो सब चीज मिलकर जरूर उम्मत का फायदा होगा। हम जानते हैं कि ख्वाहिश से नहीं गिरते हैं फल झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते हैं फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होता है। कुछ नहीं होता अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद भी जलाना होता है। इसके मिजाज हमें पूरी कोशिश करना है कि हमारे बच्चे जो तालीम से दूर हो चुके हैं, तालीम का मेयार उनका कम हो चुका है, उस मेयार को हमें बढ़ाना है। जमाने की बदलती रफ्तार और वक्त की अहम जरूरत के तय हम देखते हैं कि दर्स तदरीस के लिए नई टेक्निक और नए रास्ते इस्तेमाल करना जरूरी है। हमारे आज के शिक्षण परिषद के टॉपिक है उर्दू मीडियम में अंग्रेजी जबान की तदरीस, FLN और तालीम में टेक्निक का इस्तेमाल। इन 3 मजामीन के जरिए से इंशाल्लाह हम देखेंगे कि हम अपनी तदरीस को और बेहतर किस तरीके से बना सकते हैं। तमाम ही असातिज़ा अपने लेवल पर अपने मेयार पर काफी कोशिश करते हैं, लेकिन जिस तरीके से हम अपने बच्चों के लिए कुछ नया करने का सोचते हैं, कुछ नए करने की कोशिश करते हैं, ट्रेनिंग एक जरिया होती है, तरबियत एक जरिया होती है कि हमें वो एक रास्ता बताएं और साथ साथ हम एक नया जोश एक नई लगन हमारे अंदर पैदा करें। तो इसीलिए मैं एक बार फिर जनाब कलीमुद्दीन साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जिनका कहना है कि रह रहे के लोग पढ़ेंगे मुझे वरक वरक, रह रहे के लोग पढ़ेंगे मुझे वरक वरक, मैं तजुर्बात के वो सबक छोड़ जाऊंगा। इसके मिजाज उनकी शख्सियत है और उन्होंने एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म हमको शिक्षण परिषद के जरिए से मुहैया करके दिया है और जिसके जरिए से इंशाल्लाह हमें हमारी तदरीस में हमें जरूर फायदा होगा। इस उम्मीद करते हुए मैं आगे की कार्रवाई के लिए मैडम से गुजारिश करती हूँ कि वह आगे कार्रवाई करें। ठीक है, शुक्रिया बाजी। तमाम पार्टिसिपेंट्स को इतला दी जाती है कि अपने अपने कैमरे ऑन रखिए और माइक प्लीज अनम्यूट रखिए, और इसके अलावा चैट बॉक्स में जो गैर जरूरी मैसेज ना डालें, और इसके अलावा सेशन के आखिरी में एंड में आपको एक अटेंडेंस लिंक दी जाएगी, आप उसे भरिए। ठीक है, शुरू करते हैं। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिला इदारा तालीम व तरबियत औरंगाबाद और एजुकेशन डिपार्टमेंट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन औरंगाबाद की तरफ से आज की ये शिक्षण परिषद मुनक्किद की गई है। आज की इस उर्दू शिक्षण परिषद में मैं मोहतरम जनाब डॉक्टर कलीमुद्दीन शेख साहब, संचालक प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण औरंगाबाद, इनका तहदिल से इस्तकबाल करती हूँ। इसके अलावा
जनाब पांडुरंग चौहान सर, अधिवक्ता डायट औरंगाबाद, रामनाथ थोरे सर, शिक्षण अधिकारी महानगर पालिका औरंगाबाद, जनाब ज्ञानदेव सांगड़े सर, असिस्टेंट प्रोग्राम ऑफिसर समग्र शिक्षा, इन तमाम का तहदिल से इस्तकबाल करती हूँ और इसी तरह साथ साथ तमाम सदर मुदरसिन और असातिज़ा का भी खैर मकदम करती हूँ। अपने शागिर्द को मंजिल का पता देता है, ऐसा दिल भी खुदा सबको कहा देता है। जानता खूब है ये बात जमाना सारा, जानता खूब है ये बात जमाना सारा, है मुदरिस ही जो पत्थर को जुबा देता है। इस शेर के साथ मैं आज की शिक्षण परिषद की इब्तिदा करती हूँ। इब्तदाई कलमात अदा करने के लिए मैं जनाब ज्ञानदेव सांगड़े सर को दावत देती हूँ कि वो इस प्रोग्राम के इब्तदाई कलमात अदा करें। जनाब ज्ञानदेव सर्वांना नमस्कार। आजच्या या औरंगाबाद महानगरपालिका हद्दीतील सर्व उर्दू शाळेच्या शिक्षण परिषदेच्या निमित्ताने आपल्या सर्वांच्या परिचित असलेले आणि सर्वांचे मार्गदर्शक माननीय डॉक्टर कलीमुद्दीन शेख साहेब, संचालक प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण तथा प्राचार्य जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था औरंगाबाद, तसेच महानगरपालिकेचे शिक्षणाधिकारी माननीय थोरे सर, तसेच आपल्यामध्ये दुवा साधणारे डाएट आणि महानगरपालिकेमध्ये दुवा साधणारे डाएटचे ज्येष्ठ अधिवक्ता माझे मित्र माननीय पांडुरंग चव्हाण सर, आजच्या या उर्दू शिक्षण परिषदेचं आयोजन मला वाटतं जसंच मराठी माध्यमाच्या शाळेसाठी वेगवेगळे उपक्रम राबवले जातात, वेगवेगळे ऑनलाईन बैठका परिषदा घेतल्या जातात, त्याच पद्धतीनं उर्दू शाळांच्या सुद्धा त्यांच्या शिक्षकासाठी विद्यार्थ्यांसाठी सुद्धा वेगवेगळ्या परिषदा आयोजित केल्या जातात डायट मार्फत। यासाठी मी माननीय प्राचार्य साहेबांचं खूप खूप आभार मानतो की उर्दूच्या शाळेवर सुद्धा आपण खूप लक्ष देत आहे, त्या विद्यार्थ्यांची सुद्धा गुणवत्ता वाढवण्यासाठी खूप प्रयत्न करताय, आम्हा सर्वांना मार्गदर्शन करून उर्दूचे विद्यार्थी सुद्धा पुढे कसे जातील यासाठी प्रयत्न करतात, त्याबद्दल मी महानगरपालिकेच्या वतीने साहेबांचं खूप खूप आभार मानतो। आजच्या या शिक्षण परिषदेसाठी आपल्याला ज्याप्रमाणे गेल्या महिन्यामध्ये जी आपली परिषद झाली होती त्याच माध्यमातून आज आपल्याला उर्दू माध्यमाच्या शाळांमध्ये इंग्रजी भाषेचं अध्यापन कसं चांगल्या पद्धतीने करता येईल त्यासाठी आपल्याला आमच्या गुलनार तहसीलदार मॅडम या मार्गदर्शन करणार आहेत। तसंच मूलभूत संख्याज्ञान आणि साक्षरता याबाबत सय्यद रईसा बेगम मॅडम तुम्हाला मार्गदर्शन करणार आहेत आणि तालीम में तकनीक का इस्तेमाल यासाठी श्रीमती कुरेतुल ऐन मॅडम आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत। मी सर्वांना शुभेच्छा देतो आणि सर्वांनी शेवटपर्यंत जॉईन राहून जे आपल्याला मार्गदर्शन मिळणार आहे त्याच्या दृष्टीने आपल्या विद्यार्थ्यांपर्यंत कसं आपल्याला पोहोचता येईल त्यानुसार सर्वांनी त्यामध्ये सहभाग घ्यावा। आणि आजची परिषद आयोजित करण्यासाठी अन्सारी सर आमच्या निखत काजी मॅडम यांनी परिश्रम घेतले, त्यांचे मी अभिनंदन करतो आणि सर्वांना शुभेच्छा देतो। थांबतो, जय हिंद जय महाराष्ट्र। शुक्रिया सर, थैंक यू। इसके बाद मैं जनाब पांडुरंग चौहान सर से गुजारिश करती हूँ कि वह हमारी रहनुमाई करें। जनाब पांडुरंग चौहान सर। हाँ ज्वाइन हूँ मैं मैडम। हाँ शुरू करिए सर, माइक चलो। हाँ थैंक यू। आज की इस महानगर पालिका की उर्दू की शिक्षण परिषद में मैं जितने भी इस ये में हम ये शिक्षण परिषद कर रहे हैं वो हमारे सभी के प्रेरणा स्थान डॉक्टर कलीमुद्दीन शेख साहब, इस मनपा महानगर पालिका के शिक्षण अधिकारी रामनाथ थोरे सर, सहायक कार्यक्रम अधिकारी ज्ञानदेव सांगड़े सर और हमारे गट समन्वयक अंसारी सर और आज की शिक्षण परिषद के जितने भी
उपस्थित मुख्याध्यापक एचएम और टीचर्स है, मैं उन्हीं उनका सभी का इस उर्दू की शिक्षण परिषद में इस्तकबाल करता हूं। और हमारे जो आज के तीन प्रमुख गाइडेंस करने वाले हैं, जो तज्ञ मार्गदर्शक है, मैं इनको भी मुबारकबाद देता हूं कि आपने बहुत अच्छी तरह से तैयारी की है, ये मुझे मालूम है। और क्योंकि पिछला जो अपनी उर्दू की शिक्षण परिषद रही तो उसमें आप लोगों ने जिस तरह से वो उर्दू की शिक्षण परिषद ली, जिस तरह से पूरे सब्जेक्ट अपने हर एक टीचर तक पहुंचाए, तो उसके लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज की शिक्षण परिषद में भी आप इसी तरह से अच्छी तरह से आपके सब्जेक्ट रखेंगे, ये भी मुझे मालूम है। मैं सभी जो अपने इस बैठक में उपस्थित जो टीचर्स है उन सभी से गुजारिश करूंगा कि आज के जो पूरे तीनों सब्जेक्ट है तो आप अच्छी तरह से समझ ले, क्योंकि बहुत अब जो पहला सब्जेक्ट है कि अंग्रेजी का अध्यापन अपने उर्दू के स्कूलों में, ये बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है और इसकी जरूरत है, क्योंकि अंग्रेजी हमारी बहुत पीछे चल रही है स्कूलों में। तो इसीलिए हम आपके हर एक स्कूल के पास हम आए थे और रीड टू मी इंस्टॉलेशन के बारे में आप सभी को बताया था, आप सभी लोगों ने अच्छी तरह से वो काम भी पूरा किया है। फिर भी जो अभी तक कुछ बच्चे रह गए हैं उनके भी मोबाइल में ये रीड टू मी का ऐप इंस्टॉलेशन करें ताकि अंग्रेजी अच्छी हो जाए। और एक बात है कि FLN के बारे में हम सभी को समझना है, और अभी निष्ठा 3.0 चल रहा है, उस वह FLN पर ही है, तो अगर आप वो भी पूरा करते हैं, उसके अभी तक 8 मॉड्यूल हो गए हैं, मुझे लगता है कि आप सभी ने वो 8 मॉड्यूल भी पूरे किए होंगे। अभी आप हमारे स्कूलों में 100 डेज रीडिंग कैंपेन भी चल रहा है, अगर आपके स्कूलों में अगर उसके कुछ अच्छे प्रैक्टिसेस चल रही है तो उसका आप एक PPT बनाइए या फिर उसकी एक आपका तैयार कीजिए और वो हमें भेज दीजिए, क्योंकि वो भी आपके स्कूलों में जो अच्छा चल रहा है वो हम SCRT तक पहुंचाएंगे कि भाई हमारे उर्दू स्कूलों में ये अच्छी तरह से 100 डेज रीडिंग कैंपेन चल रहा है। उसके बाद हमारा 100 डेज का जो काम चल रहा है वो है अध्ययन स्तर के पश्चात का, मतलब उसके बाद का। भाषा का एक चार्ट आपको भिजवाया जाता है, तो वो भी आप अच्छी तरह से अपने बच्चों के साथ शेयरिंग करें और हर हफ्ते वो उनसे कर ले, जिसकी वजह से हमारा उर्दू का अध्ययन स्तर जो बहुत नीचे है वो आगे बढ़ जाएगा। और एक बात है कि आज के जो भी शिक्षण परिषद है उसको आप पूरे वक्त तक अटेंडेंस दे दे, कोई भी बीच में काम ना निकाले, भाई मेरे इधर तो शिक्षण परिषद चल रही है और मैं उधर TV देख रहा हूँ या फिर किचन में जाकर काम कर रही हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे जो 2-2.5 घंटे है तो आप मोबाइल के साथ जुड़े रहे हैं, जो भी जो मार्गदर्शक है जो बता रहे उसके कुछ नोट्स निकाले, क्योंकि अगले हफ्ते से उर्दू की जितने भी स्कूल है उनको विजिट होने वाली है और आपने इन शिक्षण परिषद में क्या क्या लिया, आपका 100 डेज रीडिंग कैंपेन क्या चल रहा है, अध्ययन स्तर के बारे में क्या चल रहा है, वो हम और साहब देखने वाले हैं। इसीलिए आप जो भी अटेंड है वो पूरी तरह से अटेंड करें, इधर उधर मत भटकिए और अच्छी तरह से उर्दू की शिक्षण परिषद लीजिए। इसके लिए मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आज जिन्होंने आज हमारी इस उर्दू की शिक्षण परिषद के लिए प्लेटफॉर्म अवेलेबल किया है, ऐसी गुलनार मैडम, उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूं और सभी जो तज्ञ है हमारे आज के उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूं और आप सभी को भी, और आप सभी का भी वापिस एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं यहाँ पर रुकता हूँ। खुदा हाफिज़। शुक्रिया सर।
इसके बाद मैं मोहतरम आली जनाब डॉक्टर कलीमुद्दीन शेख सर के लिए शेर कहना चाहूंगी। ये महर ताबा से कोई कह दे वो अपनी किरणों को चुन कर रख दे, ये महर ताबा से कोई कह दे कि वो अपनी किरणों को चुन कर रख दे, मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं मोहतरमा गुल्लार तहसीलदार साहिबा से गुजारिश करती हूँ कि वह अपने उनवान उर्दू मदारिस में अंग्रेजी जबान की तदरीस को अहमियत इस पर रोशनी डाले। जनाबा मोहतरमा गुल्लार तहसीलदार साहिबा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आवाज आ रही है क्लियर? हम कर सकते हो आप? हम वर्चुअल है अभी आ रही है मैडम। हाँ, उम्मीद है कि आप सब लोग बखैर भी होंगे और कुछ असातिज़ा स्कूल में होंगे और बहुत ही कंफ्यूजन है कि स्कूल में होते हुए हम किस तरह से शिक्षण परिषद अटेंड करें। तो टीचर को जो है तो एक मल्टी टास्कर कहा जाता है। हम लोग बहुत मल्टी टास्किंग करते हैं वैसे भी क्लास में, तो इसी तरह से आपको ये सुनना है और इसमें आज जो आपको कुछ चीजें बताई जाने वाली है उस पर आपको अमल भी करना है, तो इसीलिए आपको इसे और से सुनना होगा। फिर से मेरी एक बार सबसे रिक्वेस्ट होगी कि आप अगर कैमरा ऑन कर सकते हो तो ऑन करके रखिए और चैट बॉक्स में आपको अटेंडेंस नहीं देना है। अटेंडेंस के लिए आपको एक लिंक आएगी आखिर में, आपको वो भरना है तभी आपकी अटेंडेंस कंसिडर हो। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। मेरा नाम है गुलनार तहसीलदार और मैं औरंगाबाद महानगर पालिका उर्दू प्राइमरी स्कूल गारखेड़ा में 13 साल से अपनी खिदमत अंजाम दे रही हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है ये है उर्दू मदारिस में अंग्रेजी की तदरीस, यानी कि टीचिंग इंग्लिश इन उर्दू लैंग्वेज स्कूल्स। जस्ट अ मिनट। तो आज की शिक्षण परिषद में हम अपने पहले सेशन का आगाज करते हैं जिसमें हम देखेंगे इंग्लिश की तदरीस। इसे मुहैया कराया है हमें कि उर्दू मीडियम स्कूलों में अंग्रेजी जबान की तदरीस जिला इदारा बराए तालीम और तरबियत औरंगाबाद ने। तो चलिए आज का हम इसके शुरुआत करते हैं। आज का जो सेशन है हम ये दो हिस्सों में इसको देखें। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये अंग्रेजी की तदरीस हमें करना है अपने स्कूल के लेवल पर, क्योंकि यहाँ पर जमात अव्वल से लेके जमात दहूं तक के पूरे असातिज़ा हो सकते हैं, तो इसीलिए कुछ बातें ऐसी होंगी जो कि आपको मतलब एप्लीकेबल नहीं लगेंगी, यानी कि हम यहाँ पर हमको जमात के हिसाब से अपनी जमात कंसिडर करके इसे चलना है। आप जिस जमात को सिखा रहे हैं उस जमात के बारे में आपको तसव्वुर करना, ठीक है। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं। इस सेशन को दो हिस्सों में हम लोगों को देखना है, जिसमें कि पहला हिस्सा होगा इसका कि सबसे पहले लर्निंग आउटकम्स। अब लर्निंग आउटकम्स क्या है, इसे हम अगर तर्जुमा करके देखें तो इसे हम इक्तिसाबी महासिल कह सकते हैं। इक्तिसाबी महासिल यानी के अब इसे हम पहले अंग्रेजी में देख लेते हैं कि ये क्या है। लर्निंग आउटकम्स आर यूजर फ्रेंडली स्टेटमेंट्स दैट टेल स्टूडेंट व्हाट दे विल बी एबल टू डू एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम। यानी के इक्तिसाबी महासिल वो बयानात होते हैं जो कि बताते हैं कि एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए के वो पीरियड होने के बाद उस तदरीस के बाद तलबा के बर्ताव में क्या तब्दीली होना मुतवक्के है। इससे इस तरह से हम एलोबरेट कर सकते हैं कि अगर समझो हम कोई भी सबक पढ़ा रहे हैं उस सबक के पढ़ाने के बाद तलबा के बर्ताव में तलबा के रवैये में तलबा की नॉलेज में जो तब्दीली आने वाली है उसको बयान करने वाला जो जुमला होता है वो लर्निंग आउटकम्स होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि लर्निंग आउटकम्स से हमारी डेली इंग्लिश टीचिंग का क्या ताल्लुक है, तो इसका बहुत बड़ा ताल्लुक है, क्योंकि हम अक्सर क्या करते हैं जमात में जाते हैं दर्सी किताब खोलते हैं और सीधा अपना सबक पढ़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमें करना क्या है, देखिए ये HRD यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जिसे कि अभी जो है वजारत तालीम या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहा जा रहा है, उनके द्वारा बनाई गई एक बुक है जिसमें के लर्निंग आउटकम्स दिए हुए हैं और वो भी जो है एलिमेंट्री स्टेज से लेकर पूरे मतलब बताए हुए हैं कि क्लास वन, जैसे कि एग्जांपल आप देख रहे हैं क्लास वन की इंग्लिश जब हम पढ़ा रहे हैं तो हमें कौन से जो है इक्तिसाबी महासिल को मद्देनजर रखते हुए टीचिंग करना है। फॉर एग्जांपल अगर वहां पर हम बच्चे को एक पोयम सिखाते हैं जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार या जॉनी जॉनी, इसका मकसद क्या है,
अर्ली स्टेज पे इसका मकसद होगा सिर्फ बच्चे को एंजॉयमेंट और उसको जो है वर्ड्स का सुनना और बोलना, यानी कि हमको पता है कि सीखने के जो है बेसिक हमारे जो है चार महारतें हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो सबसे पहले सुनना आता है, तो यहाँ पर ये अर्ली स्टेज से जो है लर्निंग आउटकम्स छोटे से बड़े होते जाते हैं। तो इस बुक में पूरे लर्निंग आउटकम्स दिए हुए हैं, तो ये बुक का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी को लेकर जो हमारी दर्सी किताबें बनती है, उस दर्सी किताब में आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में आपको ये लर्निंग आउटकम्स दिए जाते हैं। अब देखिए कि किस तरह से हम इसे बनाएंगे, ठीक है। टीचर हैज टू बी श्योर अबाउट व्हाट ही इज डूइंग इन द क्लासरूम एंड व्हाट ही वांट्स टू अचीव बाय द एंड ऑफ द लेसन। यानी कि एक टीचर होने की हैसियत से हमें सबक शुरू करने के पहले ही ये पता होना चाहिए कि इस सबक को पढ़ाने के लिए हमारे पास कौन से मुतवक्के महासिल होने चाहिए। यानी हमें पहले ही इसकी, जैसे हम लोग बीएड जब किए थे तब हम पहले ही से इसकी मकरूजात तैयार करते थे कि हमें क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है। तो इस तरह से हमें दोबारा से इंग्लिश की टीचिंग के लिए ये अक्सर निगलेक्ट होता है। हम सिर्फ जबान के हद तक बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ समझते हैं, लेकिन जहां बात इंग्लिश की आती है तो हमें ऐसा लगता है कि बस वर्ड्स बताओ, मीनिंग बताओ, बात खत्म हो जाती है। लेकिन वैसा नहीं है। इंग्लिश जब हमें सिखाना है, जो भी आपको चैप्टर दिए गए हैं क्लास के हिसाब से, उस चैप्टर का कुछ ना कुछ रीजन कि वो पढ़ाने के बाद बच्चे में कौन सी तब्दीली आएगी। जैसे कि आपको यहाँ पर करना क्या है, मेक अ स्टेटमेंट ऑफ आउटकम इन योर माइंड बिफोर यू एंटर द क्लासरूम ऑफ व्हाट यू वांट टू अचीव बाय द एंड ऑफ द लेसन। यही है मुतवक्के महासिल, यानी लर्निंग आउटकम्स। और लर्निंग एलोस यानी लर्निंग आउटकम्स आर स्टूडेंट सेंटर होने चाहिए रादर देन टीचर सेंटर। स्टूडेंट सेंटर किस तरह से, सब खत्म होने के बाद ऐसा नहीं है कि टीचर की कोई महारत में तब्दीली होगी या टीचर की कोई नॉलेज में तब्दीली होगी। हमें ये बताना है कि बच्चों की महारत में, बच्चों की स्किल्स में कौन से डेवलपमेंट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हमने दिए हैं, जैसे कि बाय द, और इसे लिखने का तरीका इस तरह से होता है, बाय द एंड ऑफ द लेसन द स्टूडेंट विल बी एबल टू, यानी कि सबक खत्म होने के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि लिस्ट डाउन 5 नेम्स ऑफ फ्रूट्स। यानी कोई भी चैप्टर का एक ले सकते हैं लोअर क्लास के लिए, कि वो जब हम बता दें तो उसके बाद बच्चों में ये महारत आ जाएगी कि वो 5 फ्रूट्स के नाम इंग्लिश में बता सके, लिख सके। इसे हम एलेबोरेट कर सकते हैं क्लास के हिसाब से, पहले स्पीक कर सके, बोल सके, आइडेंटिफाई कर सके, या फिर उसके नाम बोल सके, हायर लेवल पे उसकी स्पेलिंग बोल सके, उससे हायर लेवल पे जो है उस फ्रूट्स के लिए कोई सेंटेंस बोल सके, उससे हायर लेवल पे फ्रूट्स की कोई इंफॉर्मेशन दे सके। तो इस तरह से एक जो है, जिस तरह लफ्जी एहराम हम बनाते थे, उसी तरह से हम ये लर्निंग आउटकम्स का भी एहराम जो है बना सकते हैं लोअर लेवल से हायर लेवल तक। सेकेंड है, राइट एटलीस्ट 3 सेंटेंसेस यूजिंग आई लाइक। अब इसे एज मतलब एक्टिविटी जब हम लेते हैं क्लास में, आई लाइक मैंगोज, आई लाइक फ्लावर्स, आई लाइक बुक्स, तो ये एक्टिविटी है। और अगर आपने कोई ऐसा चैप्टर पढ़ाया है तो उसके बाद आप ये मुतवक्का करते हैं बच्चों से कि वो जो है इस तरह से छोटे छोटे स्मॉल सेंटेंसेस बनाए। और थर्ड वन इज टेल्स अबाउट फेस्टिवल्स। यानी कि अगर आप देखते हैं किताबों में अक्सर फेस्टिवल्स के तालुक से कोई ना कोई चैप्टर होता है, तो अगर हमने वो पढ़ाया है तो उसका लर्निंग आउटकम क्या होगा कि बच्चा वो सबक पढ़ने के बाद जो है खुद से कुछ फेस्टिवल के बारे में बता सकता है। अब मेकिंग अ लर्निंग आउटकम, यहाँ पर आपको कुछ हमें सपोर्ट करना होगा, आपको चैट बॉक्स का इस्तेमाल करना है। थिंक ऑफ अ लेसन यू आर गोइंग टू टीच इन द क्लासरूम, मेक अ लर्निंग आउटकम स्टेटमेंट एंड सेंड इट टू द चैट बॉक्स। आपको करना क्या है, आप जिस क्लास की भी तदरीस करते हो, अगर आप अंग्रेजी मजमून नहीं पढ़ाते हो तो भी कोई बात नहीं, आप उर्दू ले सकते हो, रियाजी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, लेकिन आपको एक इक्तिसाबी महासिल चैट बॉक्स में डालना है, जैसे कि By the end of the lesson, the learners will be able to. इतना आप नहीं भी लिखेंगे तो डायरेक्ट टू से आप स्टार्ट करके डाल सकते हैं, to read the poem, to enjoy the poem, और जो भी आपको समझ में आ रहा है। तो 5 मिनट का आपको टाइम देते हैं और चैट बॉक्स ओपन करते हैं, आप लोग जो है इसमें शेयर कर सकते हो कि आपको किस तरह से लर्निंग, क्योंकि अगर हमें लर्निंग आउटकम पता होंगे तभी हमारी तदरीस जो है ये क्या बोलेंगे, जैसे असरदार होगी। क्योंकि इंग्लिश पढ़ाते वक्त अक्सर क्या होता है, हमको ऐसा लगता है कि बस ट्रांसलेशन आना चाहिए, ट्रांसलेशन ये बहुत आगे की स्टेज है। एट द अर्ली स्टेज टू एड 2-digit नंबर, वेरी गुड हिनाबाजी ने जवाब दिया है, थैंक यू हिनाबाजी कि आप एक्टिव है। तो बाकी जितने भी एक्टिव लिसनर्स हैं, हमारे सभी से एक बार रिक्वेस्ट है, आपको 2-3 मिनट का टाइम है,
आप लोग डालिए तो हमें भी हौसला मिलेगा कि कम से कम हम जो आपसे बात कर रहे हैं। और हैंड रेस मत करिए, आपको चैट बॉक्स का इस्तेमाल करना है। लर्निंग आउटकम्स बहुत वसी तसव्वुर है, इसमें अगर हमें ये क्लियर हो गए तो हमारा जो सबक पढ़ाना है, जो हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं, उसके हमको पूरे पूरे जो है महासिल मिलेंगे। एक ही जवाब आया है अभी, आप डाल सकते हैं, मैथ्स में डाल सकते हैं, इसी तरह से उर्दू में, या फिर जो भी आप सब्जेक्ट ले रहे हैं। क्योंकि अगर कोई चैप्टर है, लर्निंग आउटकम डिसाइड करेंगे आप, तो ही आपको पता चलेगा कि वो सबक के पीछे का राज क्या है, वो सबक आपको किस लिए इस क्लास में। अक्सर आपने देखा होगा हम ऐसा सोचते हैं कि अंग्रेजी मजामी की जब किताबें खोलते हैं सिक्स सेवेंथ या एट क्लास की, तो उसका लेवल हमें थोड़ा हायर नजर आता है, हम बच्चों के हिसाब से सोचते हैं। लेकिन अगर हम उसका पीछे का मुताला करें तो हमें पता चलता है कि वहां पर हमें ये सबक पढ़ाना मुतवक्का नहीं है। उस सबक के जरिए या तो बच्चे को ग्रामर पढ़ाना है, या तो बच्चे के लिए कोई वोकैबुलरी इंक्रीज हो रही है, या तो बच्चे को सेंटेंस बताना है। तो ये चीज, और ये चीज हमने समझा दिया तो हमारी तदरीस जो है 100% असरदार हो सकती है। थैंक यू सो मच जिस जिसने चैट बॉक्स में जवाब दिया है। स्टूडेंट्स एबल टू रिकॉग्नाइज प्लांट्स पार्ट, वेरी गुड। मराठी के बारे में भी वो इसी तरह से आप बता सकते हो चैप्टर के हिसाब से, अगर कोई मराठी पढ़ाने वाले हैं तो। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हम लर्निंग आउटकम्स यानी इक्तसाबी महासिल को लिख सकते हैं। यहां पर देखिए, अब इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए हैं। मैंने चैट बॉक्स का इस्तेमाल इसलिए कहा था कि जांचा जा सके कि लॉकडाउन के बाद जब दोबारा स्कूल खुले हैं तो हम कितना शार्प हुए हैं। तो फिक्र की बात नहीं है आप लोगों के लिए। हम जब दसवीं किताब खोलते हैं, आपको इब्तदाई सफात में कुछ इस तरह से मिलेगा फॉर टीचर्स, और उसके बाद जो है लर्निंग आउटकम्स। आपको यहाँ पर थोड़ा हो सकता है कि देखने में तकलीफ हो, लेकिन आप किताब में खोलकर देख सकते हो। यहाँ पर आपको वो तमाम सलाहियतें लिखी हुई रेडीमेड मिलेगी। हमें करना क्या है, हमें सिर्फ इसे पढ़ना है, जहन नशीन करना है, और जब हम अपना सबक पढ़ा रहे हैं उस वक्त इनका इस्तेमाल करना है। जैसे कि यहाँ पर बताया हुआ है कि आपको जो जबान सीखना है, ये टेक्स्ट बुक जब हमें इस्तेमाल करना है तो सिर्फ तीन जरियों से इस्तेमाल करना है। सबसे पहला क्या है, लर्निंग अ लैंग्वेज, यानी एक जबान में किसी के जो ख्यालात है वो समझने के लिए या वो पढ़ने के लिए। 2.2 है लर्निंग थ्रू लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश ये ग्लोबली बोली जाने वाली जबान है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और तमाम रिसर्च मटेरियल अंग्रेजी जबान में होते हैं। तो हमें अगर कोई चीज जैसे ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री है, या फिर कोई अदर साइंस है, तो इसमें अगर हमें कुछ इंफॉर्मेशन लेनी है तो हम अंग्रेजी जबान का इस्तेमाल अगर करें तो इसमें बेटर हमें मवाद अवेलेबल है, तो इसीलिए हमें इंग्लिश सीखना है। उसके बाद है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ये जो है हायर लेवल पर, जैसे मैंने आपको बताया है कि ये लेवल जो है लर्निंग आउटकम्स पर लो से हाई जाता है। तो जब आठवीं नवीं दसवीं की बात हम करते हैं तब वहां पर लैंग्वेज सीखने का मकसद बदल जाता है। वहां पर जब अगर कोई पोयम दी होगी तो वहां पर पोयम का मकसद जो है एंजॉयमेंट नहीं होगा, उसके साथ साथ क्या होगा, वहां पर मकसद होगा बच्चे को जो है फिगर ऑफ स्पीच सिखाया जाए, उसे जो है प्रॉपर इंटोनेशन सिखाया जाए, राइमिंग पेयर्स, राइमिंग वर्ड्स, तो ये वहां पर उस पोयम का मकसद होगा। तो ये आता है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, यानी जबान के बारे में, इसमें पूरा ग्रामर आ जाएगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामर का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे और एक छठी किताब का ही एक सबक लिया है, जो कि है 1.5 नूजोस प्रोजेक्ट। आपने जो पढ़ाते होंगे उन्हें पता होगा कि ये एक चैप्टर दिया हुआ है जिसमें एक एलियन आता है और बच्चे से क्वेश्चन करता है, बच्चों को बहुत मजा आता है इसमें। तो ये जो सबक है ये दिया हुआ है, इसके पीछे का बैकग्राउंड जब हम देखेंगे, देने का मकसद यहाँ पर देखिए, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, यानी कि सिक्स क्लास में यहाँ पर ये इस मकसद, यानी ये लर्निंग आउटकम है हमारा कि हमको ये सबक क्यों पढ़ाना है, क्योंकि यहाँ पर ये सबक पढ़ने के बाद, ये चैप्टर पढ़ने के बाद बच्चा जो है क्वेश्चन बनाना सीखेगा, यानी स्टेटमेंट, और उसके बाद कुछ सेंटेंस, और उसको किस तरह से, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछता है, जिसने ही पढ़ाया होगा वो समझ जाएगा। तो अब समझ में आया हमें कि ये जो चैप्टर पढ़ाने का रीजन क्या है, इसका मकसद है कि बच्चा जो है छोटे छोटे क्वेश्चन, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, व्हाट आर यू डूइंग, तो इस तरह से ये छोटे छोटे कुछ जो है क्वेश्चन वो फ्रेम कर सके, या एक छोटा सेंटेंस वो बोल सके या पूछ सके, व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू गोइंग, तो ये डे टू डे लाइफ में वो अपना इस्तेमाल कर सके। ये हमने फॉर एग्जाम्पल लिया है। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ।
सेकेंड पार्ट जो है हमारा, अब हमें हमने देख लिया कि लर्निंग आउटकम्स क्या क्या है, यानी कि किस तरह से हमें कमरे जमात में जाने से पहले तैयारी करनी है कि हमें किस तरह से वो डिलीवर करना है। अब हम देखेंगे टीचिंग रीडिंग, यानी कि हमें बच्चे को इंग्लिश पढ़ना सिखाना है या फिर इंग्लिश सिखाना है। अब आप मुझे बताइए चैट बॉक्स में कि हमने इंग्लिश किस तरह से सीखी है। जिस वक्त हम लोग स्कूल में थे या फिर हायर स्कूल में कॉलेजेस में, हमें अल्हम्दुलिल्लाह सबको इंग्लिश आती है, बहुत अच्छी आती है, लेकिन एक हम पीछे जाएंगे, थोड़ा रिवाइंड करेंगे अपने आप को कि किस तरह से हमने इंग्लिश सीखी है। क्या क्या किया था आप चैट बॉक्स में डालिए, जस्ट हमें, यस चैट बॉक्स में आप डाल सकते हो कि हमने इंग्लिश किस तरह से सीखी है। जैसे कि मैंने किस तरह से सीखी, मुझे वर्ड्स मीनिंग का बहुत शौक, तो हमारे स्कूल में ऐसा था डेली वर्ड्स मीनिंग लिखाए जाते थे, वर्ड्स मीनिंग से, डिक्शनरी से। आप इस तरह से डाल सकते हो चैट बॉक्स में कि आपने इंग्लिश किस तरह से सीखी, स्पीकिंग करके सीखी, स्पीकिंग कोर्स करके सीखा है आपने, या फिर वर्ड्स मीनिंग, यस, और रीडिंग न्यूज़पेपर्स, वर्ड्स मीनिंग, वेरी गुड, रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करके, अंडरस्टैंडिंग ग्रामर, वेरी गुड, क्वेश्चंस, है ना, छोटे छोटे सवाल पूछ के, रीडिंग द स्टोरी, कहानियां, ये कहानी भी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंग्लिश में, क्योंकि बच्चे, हम उर्दू में जिस तरह से कहानियां कहते हैं ना, अगर हम बच्चों को अर्ली स्टेजेस से इंग्लिश की थोड़ी सी कुछ पिक्चर स्टोरी वाली बुक्स पढ़ने दे, या फिर उन्हें छोटे छोटे सेंटेंसेस बताए स्टोरीज वाले, तो वो बहुत जल्दी इसे पिकअप करते हैं। स्पेलिंग, यस, स्पेलिंग लर्न करना, रिडल्स है, पहेलियां हैं, जिक्सॉ रीडिंग है, पजल्स होते हैं, तो ये सारी चीजें जो है इससे हमने इंग्लिश सीखी। तो अब बताइए हम ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि हमारे सामने जो बच्चा है वो सिर्फ रीडिंग करके या फिर सिर्फ किताब खोल के वो इंग्लिश सीख लेगा। अक्सर हमारा ये क्या बोलेंगे, कंप्लेन होती है हमारी कि बच्चे इंग्लिश में पीछे, इंग्लिश में उनको समझती नहीं है, वो करते नहीं है। लेकिन अगर ऐसा देखा जाए, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, उर्दू के मुकाबले इंग्लिश जल्दी सीखते हैं बच्चे। ये और बात है कि थोड़ा उन्हें प्रोनाउंसिएशन और रीडिंग और वो थोड़ा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो अगर हम उन्हें साउंड से सिखाए तो वो भी दूर हो जाती है। जैसे सी का साउंड है, कहीं क निकलता है, कहीं स निकलता है, तो हम उन्हें जब साउंड से सिखाते हैं तो वो वर्ड भी बराबर लिखते हैं। बस इतनी ही प्रॉब्लम आती है इंग्लिश में, लेकिन इंग्लिश बच्चा जल्दी सीखता है। जरूरत किस चीज की है, हम किस तरह सिखाते हैं, हम रिवायती तरीके से जिस तरह से हमने सीखा हम वही उन पर अप्लाई करना चाहते हैं। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, आजकल बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं जिसमें इंग्लिश से बेसिक से लेकर हायर लेवल तक के बच्चों को ये सीखने के लिए, यानी एक्टिविटीज होती है उसमें, एक के बाद एक वो खुद ब खुद जो है बच्चे वो एक्टिविटी करते जाते हैं और वो आगे उन्हें खुद ब खुद गाइड करता है। आप में से बहुत सारों ने देखे होंगे, बच्चों को आप ऐप अगर इंस्टॉल करके दे तो वो ऑटोमेटिक पूरा करते हैं। यस, जस्ट अ मिनट, हाँ, तो उसके बाद हम देखेंगे अब, यानी कि जैसे मैंने बताया कि फोनेमिक साउंड्स और सॉन्ग्स, नर्सरी राइम्स उन्हें बताने चाहिए। उसके बाद हेल्प स्टूडेंट बिल्ड एक्सटेंसिव बैकग्राउंड नॉलेज एंड वोकैबुलरी स्किल्स, यानी कि अगर हमें क्या पढ़ाना है ये अच्छी तरह से पता चला, जैसे कि मैंने बताया कोई भी चैप्टर है उसका बैकग्राउंड हमें पता हो और उसके थ्रू हमें क्या वोकैबुलरी स्किल्स बच्चों में लाने हैं, इसका हमें मुताला करना जरूरी है। नेक्स्ट है रीडिंग वर्ड्स एज एन इमेज, एम्पल यूज ऑफ फ्लैश कार्ड, पिक्चर कार्ड एक्सेट्रा। अब आप बताइए फ्लैश कार्ड और पिक्चर कार्ड में क्या फर्क। फ्लैश कार्ड यानी कि सिर्फ हमें इसे एक बार बताना है और रख देना है। पिक्चर कार्ड्स वो कार्ड से जिसमें बच्चा मुशाहिदा करके उसको इलेबोरेट करेगा, यानी वो बच्चे के पास बहुत देर तक रहेंगे। ये दोनों का हमें अपनी तदरीस में इस्तेमाल करना है। रीडिंग वर्ड्स एज एन इमेज यानी कि अगर हम उसे बताएं मैंगो की फोटो, दिस इज एन मैंगो, बस रख दिए उसे, और उसके बाद उसे मैंगो लिखा हुआ बताना है, तब उसे पता चलेगा कि वो वर्ड भी पढ़े और इमेज भी मैंगो, दोनों में वो मैंगो बोले। ऐसा नहीं कि तस्वीर में देख के आम बोले और वर्ड में देख के मैंगो बोले। तो इसी तरह से तस्वीर को, इमेज को वर्ड से रिलेट करना भी जरूरी है। उसके बाद है गिव अ पर्पज ऑफ रीडिंग, यानी बच्चों को बताना चाहिए हमें कि कुछ उनका मकसद होना चाहिए कि हमें क्यों पढ़ना है, जैसे कि कुछ इंजॉयमेंट के लिए, वोकैबुलरी के लिए, नए वर्ड्स के लिए, या फिर जो है अपने फ्रेंडशिप के लिए, बोलने के लिए, इंजॉय, ये हम सब जो है उन्हें एक मकसद के तहत कोई भी चीज रीडिंग करा सकते हैं। इसमें ये भी एक हम ऐड कर सकते हैं, जिस तरह से अगर वो रास्ते से आते हैं तो हम उन्हें ये एक एक्टिविटी दे सकते हैं, आपके रास्ते में आते हुए जितने दुकानों के शॉप्स के नाम अंग्रेजी में है आप लिख कर लाए, और बहुत एक्टिवली बच्चे ये करेंगे। ये सब मैंने आजमाए हुए हैं,
या फिर घर में अगर जो भी किराना सामान आता है, साबुन, सर्फ, कोलगेट वगैरह, उसमें जो इंग्लिश में आपको नजर आ रहे हैं नाम, वो कॉपी में लिखकर लाइए। बहुत अच्छे से नाम लिखकर लाते हैं बच्चे, और इस तरह से ये छोटी छोटी एक्टिविटी हम बच्चों को दे सकते हैं ताकि बच्चे जो है इंग्लिश से फैमिलियर हो, उन्हें पता चले कि इंग्लिश कोई नई लैंग्वेज नहीं है, ये हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल हो रही है, हमें ये सीखना है, क्योंकि जब सीखने की जस्तजू होगी ऑटोमेटिक वो जो है इसकी तरफ रागिब होगी। लास्ट वन है टीपीआर, यानी टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स एट फिजिकल मूवमेंट एलिमेंट्स टू द लेसन। अब अगर हम कोई लेसन पढ़ा रहे हैं तो उसमें हमें, इसे काइनेस्थेटिक लर्निंग भी कहा जा सकता है, जैसे हमने लास्ट हमारे सेशन में पढ़ा था कि सरगर्मी के जरिए कुछ सीखना। आगे हम कुछ इसमें एक्टिविटी बताएंगे जिसमें मैं टीपीआर के बारे में आपको आगे और डिटेल बताऊंगी। अब ये देखिए, जैसे मैंने कहा है आपको कि मैंने कुछ एक्टिविटी अपनी क्लास में ली है, अब क्योंकि मैं मल्टी क्लास टीचिंग करती हूँ, छठी सातवीं आठवीं तीनों क्लास मेरे पास होती है, तो ऐसे, और अभी जो कोरोना के बाद का सिचुएशन हुआ है, बच्चे पूरे फ्लैट हो गए, और जब आए हैं वो तो उनको मतलब कॉमन चीजें भी याद नहीं है कि इंग्लिश में क्या है, उर्दू में क्या है, तो मैंने एक अपनी क्लास में अपने लेवल पे एक एक्टिविटी शुरू की है, जैसे कि मैं डेली जो है बच्चों को कोई भी एक टॉपिक लेती हूँ और उससे रिलेटेड पूरे वर्ड्स और उनके मीनिंग देती हूँ, इस तरह से, जैसे स्कूल हो गया, स्कूल से रिलेटेड पूरे वर्ड्स और उनके तर्जुमे, रिलेशन, और जैसे फादर, मदर, ब्रदर और उनका जो है तर्जुमा, तो इस तरह से हमने इसकी एक अलग से कॉपी बनाई है और उसमें जो है बच्चे लिखते हैं। तो अब हम देखेंगे सैंपल एक्टिविटीज, सॉन्ग्स, पोएम, स्टोरीज, जैसे कि इंग्लिश रीडिंग के लिए हम उन्हें कोई सॉन्ग्स दे सकते हैं, पोएम्स दे सकते हैं, स्टोरीज दे सकते हैं, और उसके बाद जो है डिस्प्ले लेटर्स एंड वर्ड्स अराउंड द क्लासरूम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चा जहां पर बैठ रहा है वहां पर उसको अपने अतराफ में कुछ लिखे हुए जो भी दिखता है, अगर पहाड़े का चार्ट है तो पहाड़े याद कर लेता है, इंग्लिश के अल्फाज है तो वो याद करता है, तो हमें ऐसा माहौल बनाना है कि उसको बार बार वो वर्ड्स दिखे। उसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि लेबलिंग, यानी लेबल द होल क्लासरूम, जैसे कि हमने क्लासरूम के अभी नाम देखे थे, ब्लैक बोर्ड, बेंच, डेस्क, डस्टर, चॉक, ये सारे वर्ड्स लेबल होने चाहिए, या फिर एक बॉक्स में इसके लेबल बना के रख ले और वक्तन फवक्तन बच्चे को दे, जाओ ये जहां पर डस्टबिन है वहां डस्टबिन के पास रख कर आओ, जहां पर कर्टन है, पर्दा है, वहां रख कर आओ, जहां पर जो वाटर टैंक है वहां रख के आओ, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है, ये है काइनेस्थेटिक लर्निंग, यानी लर्निंग बाय डूइंग भी इसे हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है क्रिएट वर्ड फैमिली, वर्ड फैमिलीज, जैसे कि वर्ड फैमिलीज आर वर्ड्स दैट राइम, राइमिंग वर्ड्स ले सकते हैं हम, वर्ड्स के जितने भी टाइप्स है उसमें हम इन सारों का शुमार कर सकते हैं। ये एक एक्टिविटीज की बात की जो है स्लैप द बोर्ड। अब स्लैप द बोर्ड में हम क्या कर सकते हैं, दो ग्रुप बनाना है बच्चों के, दो ग्रुप बनाकर क्या करेंगे हम नाम लिख देंगे कुछ ऐसे, जस्ट हम क्या करेंगे दो टीम में बच्चों को डिवाइड करेंगे और बोर्ड पर कुछ वर्ड्स लिखेंगे, जैसे कि वॉक हो गया, रीड हो गया, रन, कुछ भी लिख सकते हो, और बच्चों को बोलना है कि कोई एक पर्टिकुलर अल्फाबेट उन्हें देना है, आपको उस अल्फाबेट को स्लैप करना जा या टैप करना है। दोनों टीम में से जो बच्चा सबसे पहले जाके टैप करेगा, स्लैप छोड़ देंगे हम, टैप ले लेंगे, जाके वो वर्ड को टैप करेगा तो वो टीम को एक पॉइंट मिलेगा, 10 पॉइंट मिलेंगे जितने भी। इसकी वजह से क्या होगा, उनमें वर्ड जो है अल्फाबेट का जहन नशीन करने का जो प्रोसेस है वो बहुत स्ट्रांग हो, तो ये एक्टिविटी भी हम ले सकते हैं। उसके बाद है वर्ड चेन, वर्ड चेन में भी हम ले सकते हैं कि लास्ट वर्ड जहां पर खत्म हो रहा है वहां से कोई नया वर्ड बनाओ, जैसे कि रोज हो गया, ई आया, ई से एलिफेंट, टी आया, टी से टाइगर, फिर आर आया, आर से रेन, इस तरह से ये वर्ड चेन चलती रहेगी। और अगर बच्चों को खुद से लिखने में दिक्कत होती है तो हम टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं कि आप जो है टेक्स्ट बुक में से ढूंढ के ये वर्ड्स लिखो। नेक्स्ट लास्ट वन इज रीड टू मी ऐप, इसके बारे में भी लास्ट सेशन में मैंने बताया था, और अल्हम्दुलिल्लाह सबको पता ही होगा कि ये जो ऐप आया है इसमें बहुत कुछ है, यानी रीड से लेकर, पढ़ने से लेकर, अल्फाज मानी से लेकर, क्वेश्चन आंसर, आप हर चीज ये ऐप में देख सकते हो, इसके बारे में हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। यहाँ पर देखिए, ये जैसे मैंने बताया लेबलिंग हो गया, क्लासरूम पूरा इस तरह से बच्चे के लिए भरा हुआ होना चाहिए ताकि वो इंग्लिश को आसानी से सीख सके। अब हमें जो देखना है वो हम ये देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अब ये हमारा जो सेशन है इसका, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन,
ये क्या होना चाहिए। वैसे देखा जाए तो एक ये ऐसा काम था कि आज का जो ये सेशन है ये पूरा फुल टू इंग्लिश में होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है या ऐसी मेरा ख्याल था कि ये पूरा इंग्लिश में ही बोला जाना चाहिए, लेकिन हमारी मादरी जबान उर्दू है और जितना अच्छे से हम समझेंगे उतना अच्छे से हम इसे अप्लाई करेंगे, इसीलिए यहाँ पर कुछ उर्दू का भी इस्तेमाल किया गया है। लेकिन एक आइडियल टीचिंग में हमें इंग्लिश का इस्तेमाल ज्यादा करना है। अगर हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो हमें इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़ाना है। मेक द मैक्सिमम यूज ऑफ इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, गिव इंस्ट्रक्शंस इन इंग्लिश। जैसे कि हम इंग्लिश की क्लास में जब जाते हैं सबसे पहले इंग्लिश में ही आपको इंस्ट्रक्शन देना है, बच्चों किताबें खोलो नहीं, प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक्स, गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग जो भी है आपके टाइम के हिसाब से, प्लीज ओपन पेज नंबर डैश, जो भी आप छोटे छोटे जुमले से स्टार्ट करिए, हम बोलेंगे तो ही हमारा स्टूडेंट बोलेगा। सेकेंड है मेक अ लिस्ट ऑफ क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस एंड फ्रीक्वेंटली यूज लैंग्वेज चंक्स। लैंग्वेज चंक्स यानी फिकरे या छोटे छोटे ऐसे जुमले जो डेली हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कीप क्वाइट बार बार बोलते हैं, है ना, जब शोर होता है क्लास में खामोश बैठो, या फिर स्टैंड अप सिट डाउन कम इन गो आउटसाइड व्हाट आर यू डूइंग वेयर इज योर बुक व्हाट इज दिस, ये छोटे छोटे चंक्स आप इसका पूरा चार्ट भी बना सकते हो। एक चार्ट बना के अगर हम अपनी क्लास में लगा दें इसको कि हम डेली लाइफ में, तो वो बच्चे को देख देख कर क्या होता है याद हो जाते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया ओपन योर बुक्स ओपन योर नोटबुक्स, एटलीस्ट बच्चे को अपने बैग में रखी हुई हर चीज का नाम अंग्रेजी में मालूम होना चाहिए। मैंने अपनी क्लास में ये भी एक एक्टिविटी ली हूँ कि मतलब बैग में जो भी चीज है वो निकालना है और उसका नाम अंग्रेजी में बोलना है, पेंसिल रबर शार्पनर ये तो सबको आ जाता है, बट कुछ ऐसी चीजें होती है जो बच्चों को नहीं आती है बोलना, तो ये उन्हें नोटबुक्स और बुक्स का फर्क भी नहीं समझता है, तो ये उन्हें फर्क बताना चाहिए, रजिस्टर कौन सा है, प्रैक्टिकल्स कौन सी है, ट्यूटोरियल्स क्या होता है। तो ये जब हम उन्हें बताते हैं उनके पास की चीजों से, हमारे पास की चीजों से नहीं, तब वो बहुत जल्दी इसे सीखते हैं। यूज फिजिकल जेस्चर्स एंड योर बॉडी लैंग्वेज टू सपोर्ट क्लासरूम इंग्लिश, यानी कि फिजिकल जेस्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश लैंग्वेज को सपोर्ट करने के लिए। बच्चों को समझता नहीं, अगर हम यहाँ पर अगर चाइनीज लैंग्वेज शुरू कर दे अभी तो बहुत सारे लोगों को समझेगा ही, लेकिन अगर चाइनीज में भी कुछ जेस्चर के साथ हम बोले तब क्या होगा, थोड़ा बहुत कैप्चर कर सकते हैं हम। तो इसी तरह से फिजिकल जेस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है टीचर का, कि क्या वो किस तरह से प्रेजेंट करता। अगर पोयम पढ़ रहे हैं तो पोयम को रिदम एंड राइम के साथ पढ़ना जरूरी है। अगर हम कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, अगर मिस्टीरियस चैप्टर है, रहस्यमय चैप्टर है, तो उसको पढ़ते वक्त उसको रीड करते वक्त इस तरह से रीड करना है कि बच्चों में कुछ ना कुछ जुस्ताजु पैदा हो कि आगे क्या हुआ। अगर कोई फनी चैप्टर है तो उस फनी चैप्टर को फनी वे में हमें डिलीवर करना है। तो इस तरह से ये इंग्लिश लैंग्वेज का हमें पूरा जो है इस्तेमाल अपनी डे टू डे टीचिंग में करना है। तो इस तरह से ये आज का हमारा सेशन रहा है। उम्मीद है कि आप तमाम को बहुत सारे पॉइंटर्स मिले होंगे, कुछ प्रॉब्लम्स भी हुई होंगी, कुछ नाइतफाकी भी रही होगी कि किस तरह से इसे अप्लाई करना है। छोटी छोटी कोशिशों से हम इसे कर सकते हैं, और अगर हम खुद अपने आप में पहले बदलाव लाएं तो ये तलबा में बदलाव लाना बहुत आसान होगा। तो शुक्रिया सभी का, आज के शिक्षण परिषद का और कलीमुद्दीन सर का, कि उन्होंने उर्दू के लिए हमारे लिए मतलब ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया, और सभी का शुक्रिया कि आपने बगौर मुझे सुना। और इसे सिर्फ सुनिए मत, इसे अप्लाई करिए, और अप्लाई करके आपके बच्चों के चेहरे पर जो खुशी आएगी तब हमारे लिए दुआ करिए। बस जजाकल्ला खैर सबके लिए, ओवर टू निखत बाजी। माशाल्लाह माशाल्लाह, मिसालों व हवालों का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही बेहतरीन अंदाज में गुलान मैडम ने हमें अंग्रेजी जबान की तदरीस की अहमियत बताई है। बहुत बहुत शुक्रिया बाजी, इंग्लिश में थैंक यू। इसके बाद मैं मोहतरमा सैयदा रईसा बेगम साहिबा को दावत देती हूँ कि वह अपने उनवान पर रोशनी डालें। सैयदा रईसा बेगम साहिबा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है बाजी, शुरू करिए।
अस्सलाम वालेकुम। आज का हम मे बी रही सबाजी का नेटवर्क इश्यू है, दो मिनट। हेलो गुलनार मिस, स्क्रीन दिख रही है? हेलो दिख रही है। चलिए आज का हमारा टॉपिक है बुनियादी खानदगी व अदद शनासी, हिस्सा दुआ। इसके मौजूदात देखिए, आज के हमारे मौजूदात क्या होंगे चलिए देखते हैं। मिशन के अहदाफ, आमोजिश की कदर पैमाई, दीक्षा ऐप के इस्तेमाल में वसत, स्कूल की तैयारी मॉड्यूल। इसके बाद पांचवें नंबर पर रहेगा मिशन की अमल आवरी में मुख्तलिफ शराकत दारों का किरदार और मिशन के असरात। चलिए अगला देखते हैं मिशन के आमोजिश से मुतालिक अहदाफ क्या क्या होंगे। कौमी मिशन आमोजिश के कौमी अहदाफ का ऐलान करेगा, जिसमें 2026 से 2027 तक तमाम रियासत और मरकज के जेरे इंतजामी इलाकों को तालीमी साल के एतबार से आमोजिश महासिल शामिल है। बुनियादी खानदगी और अदद शनासी के आफाकी हुसूलियाबी के लिए आमोजिशी महासिल लक्ष्य हदफ के तौर पर पेश किए गए हैं। अब इसके बाद देखिए, ये काफी अहम है मिशन के आमोजिश से मुतालिक अहदाफ। ये चार जमातों पर मुश्तमिल होंगे, बालवाटिका, जमात अव्वल, जमात दुवम और जमात सुवम। ये चार जमातों पर काम होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं बालवाटिका। बालवाटिका में रियाजी मजमून के लिए 10 तक के आदात की शनाख्त और पढ़ना, हिंसे, चीजें, वाकयात, अशकाल को तरतीब में लगाना। अशकाल को तरतीब से लगाना मतलब तवातिर वगैरह जो हम करते हैं वो। वाकयात किस वक्त में हो रहे हैं ये देखना, मिसाल के तौर पर चंद तस्वीरें दी गई है दिन भर के कामों की। हम एक मिसाल लेंगे कि कुछ चंद तस्वीरें दिन भर के कामों की दी गई है, तो सुबह का नाश्ता, ये तस्वीर कैसे आएगी सबसे पहले, और इसके बाद वक्त के हिसाब से दिगर कामों की तस्वीर लगेगी। इसके बाद देखिए बालवाटिका में ही ख्वानदगी में क्या आएगा, हुर्फ और इसके मुतालिका आवाजों की शनाख्त। हुर्फ और इसके मुतालिका आवाजों की शनाख्त, अलीफ बे पे ते की पहचान, हुर्फ तहजी की पहचान, हुर्फ और इसके मुतालिका आवाजों की शनाख्त। जितने हुर्फ तहजी है इनकी शक्लें और आवाजें यहाँ पर आनी चाहिए। इसके अलावा और क्या है,
दो तीन हुर्फ पर मबनी अल्फाज पढ़ना यहाँ आना चाहिए, ये मुतवक्के है, ये बाल वाटिका के लिए है। चलिए अब इसके बाद देखेंगे हम जमात अव्वल के लिए, जब बच्चा अव्वल जमात में कामयाब होकर दुवम जमात में जाएगा तो इसे ये आना चाहिए। रियाजी मजमून में देखिए 99 तक के आदाद की शनाख्त और पढ़ना लिखना। अगर बच्चे को 99 तक के आदाद में से कोई अदद पूछे तो वो बच्चे को क्या करना होना चाहिए, बताना आना चाहिए। इसके अलावा जमा और तफरीक की सादा मिसालें हल करना उसे आनी चाहिए। देखिए उम्र के लिहाज से गैर निसाबी मवाद से 4-5 अल्फाज पर मबनी जुमले बच्चे को पढ़ने आने चाहिए। आपके पास जो दर्सी किताब है इसके अलावा बाहर के छोटे छोटे जुमले बच्चे पढ़ पाए, ये बच्चों को आना चाहिए दर्सी किताब के अलावा। अब यहाँ पर देखेंगे हम जमात दुवम 999 तक के आदाद की शनाख्त और पढ़ना लिखना। जमात दुवम में क्या है, 999 तक के आदाद की शनाख्त और पढ़ना लिखना। 99 तक के आदाद पर तफरीक, यहाँ पर तफरीक का एरिया क्या हो गया, थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। उसी तरह खौंदगी में क्या रहेगा, समझ कर पढ़ना। एक मिनट में तकरीबन 45 से 60 अल्फाज बच्चे को पढ़ना आना चाहिए। एक मिनट में कम अज कम 45 और ज्यादा से ज्यादा 60 तक के अल्फाज बच्चे को पढ़ने आना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर देखिए जमात सुबह में 9999 तक के आदाद पढ़ना और लिखना। यहाँ सुबह जमात में क्या है मकसद, 9999 तक के आदाद पढ़ना और लिखना, जरब के आसान सवाल हल करना। इसके अलावा खौंदगी में देखिए समझ कर पढ़ना, एक मिनट में कम अज कम 60 अल्फाज पढ़ना। यहाँ पर एक मिनट में कम अज कम बच्चा 60 अल्फाज पढ़े। आपकी जमात में अगर 30 बच्चे हैं और इन 30 बच्चों में से एक बच्चे को पढ़ना नहीं आ रहा है या उसे बोलना नहीं आ रहा है तो आप अपने गोल में कामयाब नहीं हुए, यहाँ ये समझा जाएगा। इसके अलावा देखिए आमोजिश की खदरे पैमाई, आमोजिश की खदरे पैमाई, तालीमी हुसूलियाबी की जांच के लिए मुख्तलिफ टेक्निक पर मबनी मुसलसल और जामा खदरे पैमाई यानी ग्रुप डिस्कशन प्रोजेक्ट्स वगैरह। इसके अलावा देखिए सेकंड पॉइंट है, हर बुनियादी सतह पर आमोजिशी हुसूलियाबी के फर्क की फौरी शनाख्त करना बेहद यहाँ पर जरूरी है। मिसाल के तौर पर बाल वाटिका से लेके जमात सुवम तक हमें फर्क को जानना जरूरी है। यहाँ पर देखिए 30 बच्चों में से 20 बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारी जमात में 30 बच्चे हैं। अगर उसमें से 20 बच्चे पढ़ रहे हैं और 10 बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो उनकी हुसूलियाबी के लिए कदर पैमाई क्या करना हमें जरूरी है। इसके अलावा देखिए खुसूसी जरूरियात वाले तुलबा की भी जाँच ताकि जरूरी मदद फराहम की जाए, खुसूसी जरूरियात वाले तुलबा की भी जाँच की जाए ताकि उनको जरूरी मदद फराहम की जाए। चलिए नेक्स्ट है, मुख्तलिफ टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बामकसद मुसलसल व जामे खदरे पैमाई जो तमाम शराकत दारों को। अब यहाँ शराकत दार कौन होंगे, यहाँ पर शराकत दार कौन होंगे, टीचर्स, पेरेंट्स, ऑफिस के लोग, हम शहर या गांव के लोग। यहाँ पर देखिए सबसे पहला है बच्चों की दिलचस्पी, ताकत, कमजोरियां और तरजीहात की शनाख्त करना यहाँ बेहद जरूरी है। बच्चों की कारकर्दगी को तकवीत देना और मुख्तलिफ इकदामात के जरिए इन्हें जरूरी मदद फराहम करना जरूरी है। पहले कहा जाता था कि 100% बच्चे नहीं पढ़ सकते, जमात में 100% बच्चे नहीं पढ़ सकते, दो चार बच्चे ऐसे रहते थे जिन्हें पढ़ना नहीं आता तो हम उसे कंसिडर कर लेते थे कि ठीक है भाई नहीं पढ़ सकते, मगर आज पूरे के पूरे 100% बच्चों को पढ़ना आना जरूरी है, इसलिए भी हमें कदर पैमाई करना जरूरी है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है मसाइल के हल के लिए आपसी तालमेल, मसाइल के हल के लिए आपसी तालमेल होना बेहद जरूरी है। इसके अलावा देखिए इब्तदाई सतह पर ही आमोजिशी फर्क और आमोजिशी दुश्वारियों की शनाख्त में किरदार अदा करना। इब्तदाई में हमें समझ में आ जाना चाहिए, इब्तदाई में हमें फर्क समझ में आ जाना चाहिए, ताकि हम उन दुश्वारियों को समझ सके और उनको दूर करने की कोशिश कर सके, बच्चों को 100% मकसद की हुसूलियाबी की तरफ हम ले जा सके। चलिए
अब इसके बाद देखिए खदरे पैमाई दो सतहों पर की जाएगी। खदरे पैमाई कितने सतहों पर की जाएगी? दो सतहों पर की जाएगी। पहला है स्कूल की सतह पर और दूसरा है बड़े पैमाने पर। यहाँ पर देखिए स्कूल की सतह पर किस तरह होगी? तनाव से परे। पहला है तनाव से परे, उमूमी तौर पर मुशाहदे पर मबनी। इसके अलावा देखिए बच्चों के तजुर्बात और सरगर्मियों की कारकर्दगी पर मबनी होगी। अब यहाँ पर देखिए बड़े पैमाने पर रियासती, कौमी और बैनुल अक्वामी सतह पर तालीम पर। दूसरा है तालीमी निज़ाम पर मरकूज और तीसरा है ज़िले, रियासत और मुल्क की तालीमी सेहत को बयान करने वाली होगी। अब यहाँ देखिए हर एक का रोल जांचा जाएगा, हर एक का यहाँ पर रोल जांचा जाएगा। टीचर्स क्या कर रहे हैं, वालिदैन का सपोर्ट कहाँ तक है, ऑफिस के लोगों का क्या रोल है, ये सब क्या होगा यहाँ पर जांचा जाएगा। अब इसके बाद देखिए बुनियादी खौंदगी और अदर शनासी मिशन में दीक्षा का इस्तेमाल। दीक्षा ऐप को हम बखूबी जानते हैं और इसका बेहतरीन इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर बुनियादी खौंदगी और अदर शनासी में इसका रोल क्या होगा, यहाँ पर वर्कशीट दी जाएगी। इसके अलावा मुताले के लिए मवाद दिया जाएगा, इसके अलावा तौजी वीडियोज होगी। कोई अदद बच्चे को पढ़ना नहीं आ रहा है तो वीडियोस के जरिए उसे बताया जाएगा कि किस तरह पढ़ना है। इसके अलावा तामुलाती खदरे पैमाई, इंटर एक्टिव खदरे पैमाई की जाएगी। यहाँ पर देखिए दीक्षा ऐप पर खौंदगी से मुतालिक मवाद, साथ साथ पढ़ने के लिए मवाद दिया जाएगा, पढ़ने के लिए इक्तबासात दिए जाएंगे, कवायद पर मबनी सवालात का जखीरा होगा, अदब और अतफाल। अब इसके अलावा देखिए अदब शनासी से मुतालिक कौन सा मवाद होगा, तौजी वीडियो होंगे, उमूमी फहमी के जाले पर मबनी वीडियोज होंगे। अब यहाँ पर देखिए उमूमी फहमी के जाले पर मबनी वीडियोज, यानी बच्चा जो बार बार गलतियां करता है, मिसाल के तौर पर बच्चा सिफर कहाँ लगाना है इसमें बहुत सारी गलतियां करता है, सीधी तरफ लगाना है, दावी तरफ लगाना है, बच्चा बहुत उसमें सिफर लगाने पर गलती करता है, तो बच्चा गलती ना करे इस तरह के यहाँ पर वीडियोज दिए जाएंगे, जो बार बार गलती करता है उस पर वीडियोज बनाए जाएंगे और उसकी मश्क के यहाँ पर वीडियोज दिए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखिए हकीकी दुनिया पर मबनी मिसालें दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ और है सवालात का जखीरा होगा। स्कूल की तैयारी मॉड्यूल, नेक्स्ट है स्कूल की तैयारी मॉड्यूल। कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 में जमात अव्वल के तलबा के लिए 3 माह पर मुश्तमिल स्कूल की तैयारी मॉड्यूल की सिफारिश की है, जो खेल पर मबनी हो, जो बच्चों को जमात अव्वल में दाखिले के लिए तैयार करे। इसके अलावा देखिए जमात अव्वल की शुरुआत में 12 हफ्तों पर मुश्तमिल मॉड्यूल जो तलबा की कबल अज खौंदगी, कबल अज अदब शनासी, वकूफी। अब यहाँ पर देखिए वकूफी यानी सोचने समझने पर मबनी सरगर्मी दी जाएगी। इसके अलावा है समाजी महारतें हो गए, समाजी महारतों को फरोग देने वाली होगी। इसके अलावा देखिए इस मॉड्यूल में हुर्फ तहजी इनकी आवाजें, हुर्फ तहजी इनकी आवाजें, अशकाल, रंग, अदद और साथियों और सरपरस्त से तामुल में इजाफे के लिए सरगर्मियां दी जाएगी। इसके अलावा है वर्कबुक भी होगी। अब यहाँ पर देखिए ये मॉड्यूल कौन तैयार करेगा, ये जो मॉड्यूल रहेंगे ये कौन तैयार करेगा? NCERT 3 माह पर मुश्तमिल स्कूल तैयारी मॉड्यूल तरतीब देगी, जिसे रियासतें और मरकज के जेर इंतजाम इलाके अपनी जरूरियात के लिहाज से तरमीम करके इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहाँ रियासतों को और मरकज को ये वो इख्तियार दिया गया है कि वो अपने हिसाब से थोड़ी उसमें तरमीम कर सके। इसके अलावा देखिए मिशन की तकमील में हर शराकत दार का किरदार नहायत क्या है, यहाँ पर अहम है। मिशन की तकमील में हर शराकत दार का किरदार यहाँ अहम है। बच्चों की तरक्की में सारे गांव की शमूलियत, मुख्तलिफ इदारे, असातेज़ा, वालिदैन, समाज और मुकामी इदारों की सरगर्म शमूलियत के बगैर मिशन की कामयाबी तकमील का तसव्वुर भी क्या है, यहाँ पर नहीं किया जा सकता।
इसके अलावा यहाँ पर देखिए माशेरे की शमूलियत, माशेरे की शमूलियत, असातेजा और आंगनवाड़ी सेविका की मदद से मुख्तलिफ सरगर्मियों का इनेकाद करना, स्कूल की तैयारी से मुतालिक मेले, प्रवेश उत्सव, बुलंद खानी आम मालूमात पर मबनी मुकाबले और अवार्ड की तकसीम वगैरह। अब सेकेंड है मुकामी इदारों की यहाँ पर शमूलियत किस तरह होगी, रियासत के रहनुमा खतूत के मुताबिक आमोजिश में जद्दोजहद करने वाले तलबा की शनाख्त के लिए इब्तदाई जायजा मुनक्किद करना, इसके अलावा है 100% तलबा का स्कूल में इंदराज करना, सिफर जायगी और सिफर स्कूल से बाहर तलबा को यकीनी बनाना, हर बच्चा यहाँ पर स्कूल आए, शाड़ाबाही जो बच्चे होते हैं वो ना रहे बल्कि सिफर जायगी और सिफर स्कूल से बाहर तलबा को यहाँ पर यकीनी बनाना है, हमारा मकसद है हर बच्चा स्कूल आए, इब्तदाई जमातों के तलबा में बुनियादी खानदगी और अदब शनासी को यकीनी बनाना है, इसके अलावा है वॉलेंटियर सरपरस्त हजरात को स्कूल से जोड़ना ताकि वो बुनियादी खानदगी और अदब शनासी के अहदाफ के हुसूलियाबी में मावनत कर पाए। यहाँ पे देखिए मिशन की निगरानी, कौमी सतह रियासती सतह और जिलाई सतह पर मौसलाती जर्राए का इस्तेमाल करते हुए मिशन के सरगर्मियों की निगरानी हर तालिब इल्म पर मबनी है, हर बच्चे की निगरानी की जाएगी, हर बच्चे की निगरानी की जाएगी, इसकी मॉनिटरिंग होगी कौमी सतह पर, रियासती सतह पर और जिलाई सतह पर। चलिए नेक्स्ट है, क्यों इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। अब यहाँ पर सवाल है कि क्यों इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, बुनियादी ख्वानदगी और अदब शनासी के मुतवक्के असरात। यहाँ पर देखिए पहला है सरगर्मियों पर मबनी तरीके तालीम पर जोर, मियारे तालीम में इजाफे के लिए साजगार माहौल बनाना, सबके लिए मियारी तालीम की यकीन दहानी करना, आमोजिशी महासिल पर मबनी कदर पैमाई होना, जायगी में रुकावट, प्राइमरी से आला प्राइमरी सतह में मुंतकली की शराह में इजाफा। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट है तरीके तदरीस के इंतखाब से मुतालिक असातेजा को खुद मुख्तार बनाना, इनकी इस्तेदाद में इजाफा करना, उस्ताद को ये आज़ादी दी जाएगी कि मेरे स्कूल का मेरी जमात का जो बच्चा है मैं उसे किस तरह पढ़ाऊँ वो ये जानता है, इसकी इस्तेदाद में यहाँ पर इजाफा किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, आप तमाम ने मुझे बगौर सुना, आप तमाम का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और निखतबाजी, बुनियादी ख्वानदगी व अदद शनासी हिस्सा दोम के बारे में रईसा बाजी ने हमें अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है, बहुत ही बेहतरीन बाजी, शुक्रिया। इसके बाद मैं कुरतुल ऐन साहिबा से गुजारिश करती हूँ कि वह अपने उन्वान तालीम में तकनीक का इस्तेमाल इस पर अपने ख्याल का इजहार करें। मोहतरमा कुरतुल ऐन साहिबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम कुरतुल ऐन खान अब्दुल समद, मैं महानगर पालिका उर्दू प्राइमरी व हाई स्कूल नारेगांव में तदरीसी खिदमत अंजाम दे रही हूँ। आज का मेरा टॉपिक है ICT, तदरीस में टेक्नोलॉजी का तकनीक का इस्तेमाल, विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे कि हमारे जब जमाना और हालात तब्दील हो रहे हैं, जमाने और हालात के साथ साथ हमारे हर शोबे में तब्दीली हो रही है, चाहे हमारे घर हो बाहर हो, वक्त और हालात के साथ हर शोबे में तब्दीली हो रही है, वक्त ये क्या है, वक्त का बदलाव है, और सिर्फ एक कोई भी ऐसा शोबा नहीं है जिसमें तब्दीली नहीं हुई। जैसे पहले हम घर में खाने का पकाने का सिस्टम अलग था, जैसे हम चूल्हे पे बना रहे हैं, लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ईंधन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बजाय आज हमने हमारे घरों में भी तकनीक आ गई है, हर आला जदीद किस्म के तकनीकी आलात का इस्तेमाल करते हुए हम घर में पकाना हो या दूसरी चीज हो, दूसरे काम हो, सारे काम हम जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कर रहे हैं। इसके साथ साथ तिब्बी शोबे में भी बहुत चेंजेस आए हैं,
जैसे पुराने जमाने में जिस तरह का तरीका इलाज हुआ करता था, आज के जमाने में हम नए नए तिब्बी और तकनीकी टेक्निकल औजार और हथियार औजारों का और चीजों का इस्तेमाल करते हुए इलाज कर रहे हैं। बहुत टिपिकल से टिपिकल भी इलाज हम आसानी से आज की टेक्निक की वजह से, टेक्निक में तब्दीली की वजह से कर पा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि हर शोबे में आज हम ऑनलाइन सपोर्ट ले रहे हैं। जैसे बैंक का जो पैसों के लेन देन का कारोबार था, आज हम वो ऑनलाइन में शिफ्ट हो चुका है। हम मिनटों और सेकेंडों में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा आमोद्रव के जराये में भी तब्दीली हो गई है। बहुत से आमोद्रव के जराये भी स्मार्ट हो चुके हैं। पहले इसके जराये के अलावा भी जो हमारा टिकट सिस्टम है वो भी हमने ऑनलाइन कर चुका है, ऑनलाइन हो चुका है। यानी वक्त के साथ साथ हर शोबे में तब्दीली हो रही है। वक्त और हालात हमेशा मुस्तकिल नहीं रहते। जैसे पुराने जमाने में हम लैंडलाइन का इस्तेमाल करते थे, उस जिसको कहीं भी लाना ले जाना पॉसिबल नहीं था। लेकिन आज हर किसी के हाथ में एक छोटी सी डिबिया है जिसमें दुनिया भर की मालूमात है और हम इसे कहीं भी ले जा और ला सकते हैं और उससे इस्तफादा हासिल कर सकते हैं। जिस तरह हर शोबे में तब्दीली आई है, उसी तरह तरीके तदरीस और उस्तादों में भी तब्दीली आई है। पहले के सिस्टम तरीके और अब के तरीकों में बहुत ज्यादा तब्दीली आई है। असातिज़ा ने भी अब वक्त के साथ साथ अपने आप को, अपने तरीके तदरीस को, दर्स और तदरीस को तब्दील किया है। पहले सिर्फ एक बोर्ड और चौक की मदद से ही तदरीस को अंजाम दिया, आसानी से अंजाम दिया जा सकता था, लेकिन हमने वक्त के साथ अपने आप को चेंज किया है, अपने तरीके तदरीस को चेंज किया है, हमारे किताबों को चेंज किया है, हमारे तरीके को चेंज किया है। हमारे साथ साथ हमारे दूसरे शोबों के साथ साथ हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी दर्सी किताबें भी स्मार्ट हो चुकी है। हर दर्सी किताब में आपने देखा ही होगा कि हर दर्सी किताब में QR कोड्स होते हैं। हर दर्सी किताब में उस मवाद पर मौजूद वीडियो का, उस पेज पर मौजूद मवाद का वीडियो दीक्षा ऐप पर रख दिया गया, इंस्टॉल किया गया है। अगर आप उस QR कोड को स्कैन करेंगे तो आप उस मवाद से रिलेटेड जो भी वीडियो है वो उसको आप देख सकते हो। जैसे कि देखिए, दर्सी किताब में जैसे ये जमात अव्वल की दर्सी किताब है, इसमें पहले ही पेज पे दिया गया है कि अगर आपको स्मार्टफोन में दीक्षा ऐप इंस्टॉल करिए और उसमें है तो हर मवाद के, तकरीबन हर मवाद के बाद में एक QR कोड दिया हुआ है पेज के नीचे। और अगर आप उसको, उस QR कोड को अपने मोबाइल फोन से दीक्षा ऐप के जरिए इंस्टॉल करेंगे, स्कैन करेंगे, उस QR कोड को अगर आपने स्कैन किया दीक्षा ऐप पर जाकर, जो QR कोड का सिंबल है इस पे अगर आपने इसको स्कैन किया, तो उस पेज पर मौजूद जो मवाद है उस पर मबनी वीडियो आपको सामने आएगा। मतलब अगर अपने बच्चों को कुछ तस्वीर या वो दिखाते हैं तो उसके बजाय अगर हम उसको कुछ वीडियो दिखाए वो ज्यादा मौसर साबित होगा। जैसे सफर नंबर 20 पर ये जो मौजूद तस्वीर देखो, तस्वीर का नाम बताओ, तस्वीर के नाम पहली आवाज बताओ, बच्चों ये किस चीज की तस्वीर है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने मवाद को QR कोड के जरिए स्कैन करके उस मवाद को और अच्छे से वीडियो के जरिए अगर हम बताएंगे, जैसे कि पैंडेमिक सिचुएशन में हमारी पूरी तालीम मोबाइल फोन तक आकर महदूद हो चुकी थी, उसके बावजूद भी हमने तालीम को पीछे नहीं रखा, बल्कि नए मौजूदा हालात और सिचुएशन के हिसाब से हमने अपने आप को और अपने तरीके तदरीस को तब्दील किया है। और इस तरह से हम दीक्षा ऐप से QR कोड लेकर, QR कोड को स्कैन करके अपना मवाद बच्चों को दिखाकर और मौसर तरीके से बच्चों को वो समझ में होता है। अगर नज़में हैं तो नज़में रिदम के साथ उसमें अगर प्ले हो रही है तो बच्चे खुशी से इंजॉय करके उसको समझते हैं। इसके अलावा हर किताब में, हर सब्जेक्ट में, हर मजमून में इस तरह के QR कोड दिए गए हैं। अगर हम कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे तो कंप्यूटर में हम पेंट ब्रश का इस्तेमाल करके तस्वीरें बनाइए, फोल्डर में सेव करिए, कुछ एंगल्स बनाइए, कुछ सर्कल बनाइए, इस तरह से बच्चों को
पेन ब्रश का भी इस्तेमाल सिखा सकते हैं, वो हम कर सकते हैं। आपत्ति व्यवस्थापन, जैसे कि कुदरती आफात में हमको क्या करना चाहिए, इसके बारे में तलबा को अगर हम मालूम देंगे इंटरनेट के जरिए, उस आपत्ति व्यवस्थापन में उस वक्त मुकाम पर क्या करना है, उस हालात में क्या करना है, जो भी कुदरती आफत अगर उस एरिया में पेश आए तो उस वक्त बच्चों ने क्या करना है, उसकी डिटेल मालूम तो इनको आपत्ति व्यवस्थापन की जो लिंक है उसमें मिल जाती है। उसके अलावा अगर ज़िरात हो या नबातात की बारे में मालूम हो, इस तरह ये सारी चीज़ें बच्चे इंटरनेट के जरिए लिंक के जरिए हासिल कर सकते हैं। और पावर पॉइंट पे अगर हमने अगर खाने बनाकर बच्चों को तख्ता तैयार करके उसको उस व्यवस्था उस कुदरती आफत के वक्त आपने क्या करना है क्या नहीं करना है, डूज और डोंट जो भी हो वो बच्चों को लिखाकर उसके बारे में तफसीली मालूमात दे सकते हैं। इसके अलावा एनपीएल इंडिया की जैसी कुछ लिंक्स है जिसमें बच्चे को मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर जैसी जो इकाइयां हैं उसके बारे में तफसीली मालूमात उसमें से ले सकते हैं। कोई भी चीज अगर समझो आपने एक तस्वीर दिखाई, दो तस्वीर दिखाई, वो शायद इतना पूरा सर नहीं होंगी, अगर उसके बजाय आपने कोई वीडियो, कोई हरकती तस्वीर या हरकती वीडियो दिखाया तो वो बच्चों को ज्यादा वक्त तक याद रहती है। इस तरह से आप उनको खाना बनाकर उसमें क्या करना है कैसे करना है वो पावर पॉइंट का इस्तेमाल करके, एक्सेल का इस्तेमाल करके अपनी जमात और क्लास के बच्चों की उम्र के हिसाब से अलग अलग एक्टिविटीज कर सकते हैं। और NDMA.gov के हिसाब से ये सारी आपत्ति व्यवस्थापन के जो कुदरती आफात की मालूमात है एक जगह कर सकते हैं। अलग अलग मुकाम की अलग अलग तबई हालात होते हैं, इसको दिखाने के लिए भी बच्चे टीचर्स जो है तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करते हुए उसकी ज्यादा ज्यादा डिटेल तकनीकी मालूमात बच्चों को दे सकते हैं। और कई वेबसाइट और कई लिंक्स ऐसे हैं जो उस किताब के मवाद के हिसाब से, उस जमात के बच्चों की उम्र के और उसमें मौजूद जो निसाब है उसके हिसाब से जो भी उससे रिलेटेड वीडियो है या लिंक है उस लिंक को दर्सी किताब में दिया गया है। इसके अलावा भी और बहुत सारी लिंक्स है जो आप बच्चों को इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे रॉक्स और मिनरल्स है उसके उसके बारे में जो बच्चों को उनका कलर है, उनकी तबीयत साफ है, उसको अगर हम जबानी बोलेंगे तो शायद इतने से बच्चों को याद नहीं रहेगा, लेकिन अगर हम उसकी तस्वीर बताएंगे बच्चों को मिनरल्स और रॉक्स की तो बच्चे बहुत दिनों तक याद रख सकेंगे। सिर्फ यही नहीं बल्कि हमारी आज की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, ICT के मदद से हम एक बच्चों को उपक्रम दे सकते हैं कि मोबाइल ऐप में जो गूगल मैप है उस पर जाइए और अपने एरिया को सर्च करिए। बच्चे जब गूगल मैप पर जाते हैं और अपने एरिया को देखते हैं तो वो अपनी बस्ती के बारे में, अपने गांव और शहर और उसके अतराफी माहौल के बारे में जो फोटो है वो ले सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं, वो कहाँ है उसको सर्च कर सकते हैं। इस तरह से गूगल मैप का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा एक है विंडी टी। जब हम बच्चों को तबई नक्शे बताते हैं तबई नक्शे बताते हैं बच्चों को तो उसमें अगर हम बच्चों को बोले कि ये तबई नक्शा है, इसमें ऐसे ऐसे सिचुएशंस है, ऐसे बच्चों को जोग्राफी हालात बताना है तब बच्चों को, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हो, जोग्राफी हालात को अगर हम जबानी बोलेंगे कि यहाँ की तबई साफ ऐसी है, हवा का दबाव इधर से होता है इधर से होता है, अगर हम वो चीज बताएंगे सिर्फ जबानी बोलेंगे या सिर्फ तस्वीर नक्शे में फोटोज दिखाएंगे तो वो शायद इतना पूरा असर नहीं होगा। अगर हम विंडी ही इस्तेमाल करेंगे, गूगल ऐप पर जाएंगे और विंडी को सर्च करेंगे तो वहां पर एक ऐप एक पेज ओपन होता है जिसमें भारत और उसके अलावा पूरी दुनिया का नक्शा नजर आता है, जिसमें बच्चों को हवा का दबाव किस सिमत है, किधर है, किधर से किधर हवाएं बह रही है, इस वक्त आज इस वक्त अलग अलग जगह का क्या टेम्परेचर है, दर्जात क्या है, मौसम के क्या हालात है, ये सब चीजें हम बच्चों को उस वीडियो के जरिए लाइव बताकर समझा सकते हैं। हर किताब में उस मवाद पर मबनी लिंक्स को दिया गया है जिसको दिखाकर आप बच्चों को शेयर करके और उसकी डिटेल मालूमात दे सकते हैं। अपने अतराफ में भी जो माहौल है माहौल के बारे में मालूमात ले सकते हैं, जैसे अगर बीज है, जो भी साइंस हो, ज्योग्राफी हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, जो तमाम मजामीन में हम बच्चों को उस मवाद पर मबनी फोटोज तस्वीर दिखाकर और डिटेल में एप्स का इस्तेमाल करके डिटेल में मालूमात दे सकते हैं।
आईसीटी टूल्स का इस्तेमाल करके हम अपनी तरीके तदरीस को बहुत मौसर और बहुत दिलचस्प बना सकते हैं बच्चों के लिए। बहुत जैसे कि कुछ मवाद ऐसा होता है बहुत जखीम होता है या सिर्फ तकयुलात ही होता है, उसको अगर हम 3D में उसमें दिखाए तलबा को तो वो बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। अगर तस्वीर देख कर इतने से अच्छे से बच्चा नहीं समझ सकता है। जियो जबरा हो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके आप ट्राइंगल्स बनाना, सर्कल्स बनाना, इसकी मदद से आप कर सकते हैं। मैथ्स के और बहुत सारे टूल्स है, बहुत सारे लिंक्स है और एप्स है जिसका हम कंप्यूटर पे इस्तेमाल करके उसको सिखा सकते हैं। अभ्यास क्रम में हमारी जो निसाब में है बहुत सारे ऐसे जखीम मवाद होता है जिसको हमको समझाने में थोड़ी मुश्किल जाती है, जो बच्चों सिर्फ तखयल करने पे तलबा नहीं समझ पाते। तो इसके लिए हम इस नई टेक्नोलॉजी का तंत्र ज्ञान का इस्तेमाल करके उन चीजों को वाजह कर सकते हैं। जैसे कि कलवी साख्त हो, कलवी साख्त अगर हमारे पास माइक्रोस्कोप है हमारे स्कूल में तो हम उसको अच्छे से बता सकते हैं, लेकिन अगर हमारे स्कूल में माइक्रोस्कोप नहीं है किसी स्कूल में तो फिर कलवी साख्त का सिर्फ खाका बना बताकर या तस्वीर बताकर इतने अच्छे से शायद वो बच्चा नहीं समझ सकेगा। इसलिए हम यूकैरियोटिक सेल्स के मबनी पे मबनी जो वीडियो है, लिंक है, उसको अगर हम ओपन करते हैं फिर बच्चों को बताते हैं तो उसके जो अंदरूनी साख है, उसके जो अंदर के आजा है, उसकी जो बनावट है, उसके अंदर कौन सा माया है, किस शेप में है, किस कलर का होता है, ये सब बच्चा बहुत मौसर तरीके से सीख सकता है। अमीबा की भी बनावट या कल्बी बनावट, उसकी जो भी खलिए की बनावट है उसको भी जबानी बताने में बहुत मुश्किल जाती है, अगर हम उसका वीडियो बता दें तो तलबा आसानी से समझ सकेंगे। बरखे रवा भी एक ऐसा मौजू है जिसको हम दिखा नहीं सकेंगे, जिसको हम जाहिरी तौर पे दिखा नहीं सकेंगे, तो उस पर मबनी अगर कार्टून की शक्ल में, 3D की शक्ल में अगर कोई वीडियो होता है तो उसको बच्चे आसानी से समझ सकेंगे। कंप्यूटर और इंटरनेट एक ऐसा वसी जखीरा है, एक ऐसा वसी खजाना है जिसमें हमको जो चीज चाहिए हम आसानी से ढूंढ सकते हैं, उसमें मबनी डिटेल मालूम हासिल कर सकते हैं। सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि हमको तो इंफॉर्मेशन में हमारे इजाफा हो ही रहा है, बल्कि हम उसके अलावा हम अपने तलबा का भी इससे फायदा कर सकते हैं। ई बुक लाइब्रेरी एक ऐसा ऐप है बाल भारती का, जिसमें आप टेक्स्ट बुक हो, टीचर्स हैंडबुक हो, वर्कबुक हो या अदर बुक्स हो, जो फर्स्ट से लेके 10th तक और कोई भी मीडियम में, उर्दू, मराठी, इंग्लिश, जो भी मीडियम हो, उसमें आपको इस ऐप पर बहुत सारे बुक्स, सारे बाल भारती के बुक्स आपको इसमें मिलेंगे। आपको इस बुक को सिर्फ डाउनलोड करना है, एक बार आपने डाउनलोड कर लिए तो वो आपके आप कभी भी इसको ओपन करके उसका पढ़ सकते हैं और बच्चों को भी ये बताना है। इसके अलावा भी पी हैट और कई ऐसे ये है, देखिए bindi.com, इसमें अगर हम ये लाइव होता है तो ये इसमें जो हवा का दबाव किधर है, बहाव किधर है, उसका रुख किधर है, अलग अलग जगह का टेम्परेचर कितना है, 2-4 दिन में आगे क्या हालात होने वाले हैं, मौसम कैसा होने वाला है, कहाँ बारिश है, कहाँ हवा चढ़ी है, कहाँ कैसा मौसम है, तबीयत साफ कैसी है, ये सब चीजें अगर हम बोलने के बजाय, नक्शा बताने के बजाय अगर इसके जरिए बताएं तो वो वेदर के बारे में बहुत अच्छे से बच्चे फोरकास्ट और वेदर को समझ सकेंगे। विकिपीडिया एक ऐसा खजाना है जिसमें हमको दुनिया की कोई भी टॉपिक हो, कोई भी मौजू हो, उसको हम सिर्फ एक बार गूगल पे जाकर विकिपीडिया में टाइप करें तो हमको उससे रिलेटेड ढेर सारी मालूमात मिल जाती है जो हम अपने तदरीस को मौसर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसे कई एप्स है जिसको हम इस्तेमाल करके अपनी तदरीस को आसान बना सकते हैं। सुपर टीचर वर्कशीट, ये वर्कशीट, ये ऐप जो है ये कुछ ऐसा ऐप है कि जैसे बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाते वक्त एडिशन हो, डेसिमल हो, या जो अशारिया हो, अलजबरा हो, या रकबा हो, हजम हो, वो चीज बताने के लिए ये ऐप बहुत इस्तेमाल बहुत फायदेमंद है। इसमें बच्चों को हम वर्कशीट भी तैयार करके दे सकते हैं, टीचर के लिए बहुत यूजफुल है। इसके अलावा कई ऐसे ट्रस्ट हैं एजुकेशन के, उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे गूगल पे फ्री कोर्सेस होते हैं, इन कोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं हम अपनी क्लास के सेलेक्ट करके उससे उस पर मबनी बाल भारती और जो भी मवाद है उसके सारे इंफॉर्मेशन इससे ले सकते हैं। कूल मैथ फॉर किड्स, ये एक ऐसा ऐप है जैसे बच्चों को आप देखे होंगे कि बच्चों को कार्टून्स और गेम्स में बहुत इंटरेस्ट होता है, तो हम यहाँ पर उन्हीं उसी उनकी पसंद और उनके
दिलचस्पी के हिसाब से गेम्स के जरिए उनको एडिशन सिखाना, तफरीक, जमा, जरब, तकसीम, ये सब चीजें हम उनको अगर गेम्स के जरिए या फोटोज के जरिए या वीडियोस के जरिए रोजमर्रा की उनकी चीजों और कार्टून उनकी पसंद के हिसाब से अगर हम सिखाए तो वो बासानी उस चीज को समझ सकेंगे। फ्री मैथ ऐप, द फ्री मैथ, उसमें भी हम बड़ी क्लास के जो बच्चे हैं उनको फ्रैक्शंस हो, अलजबरा हो, आगे की सारी जो परसेंटेज निकालना वो सारी मालूम उसमें निकाल सकते हैं। नियो K12 ये भी ऐप का हम इस्तेमाल करके अपनी तदरीस में ले सकते हैं। यूट्यूब का तो हम इस्तेमाल करते ही है, और भी ऐसे बहुत सारे एप्स और वो है जिनका इस्तेमाल करके हम अपनी तदरीस को मौसर बना सकते हैं। सबसे मेन बात है उपयोगिता ही हमारा सम्मान है, मतलब कि हम अगर इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो हमको ये बात समझ में कैसे आएगी। हमको इसको इस्तेमाल करना है, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जमाने के साथ चलना है। अपनी तदरीस को मौसर बनाने के लिए हमको कदीम और रिवायती तरीकों के अलावा कुछ नई जदीद टेक्नोलॉजी और उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, और हम कर रहे हैं। जैसे कि पैंडेमिक सिचुएशन में हमारी सारी तालीम जो है ऑनलाइन शिफ्ट हो चुकी थी और हम कुछ ऑफलाइन भी गए, लेकिन जो ऑनलाइन हमको हर किसी को इस्तेमाल करना पड़ा और इस्तेमाल करके हमने हर किसी ने मोबाइल का इस्तेमाल करके बच्चों को उसके जरिए तालीम देने की कोशिश की। तो सिर्फ इंटरनेट नहीं बल्कि मोबाइल में भी ऐसे कई ऐप्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम लर्निंग ऐप्स का इस्तेमाल करके बच्चों को तालीम की तरफ रागिब कर सकते हैं। जैसे कि दीक्षा ऐप है, इसको हम इस्तेमाल कर ही रहे, इसमें तो तमाम अजामिन की, तमाम मीडियम की, तमाम सब्जेक्ट की बुक्स है, उस पर मबनी वीडियोज है। उसके अलावा रीड टू मी ऐप है, उसके बाद मित्रा ऐप है, और कई प्राइवेट ऐप भी है जैसे बायजूस ऐप है, और बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जिनका हम इस्तेमाल अपनी तदरीस को मौसर बनाने के लिए कर सकते हैं। अगर किसी स्कूल में रेंज नहीं है या फिर इंटरनेट का सुविधा नहीं है तो उस स्कूल में हम डोंगल का इस्तेमाल कर सकते हैं। डोंगल का इस्तेमाल करके हम अपनी तदरीस को, मतलब इन बच्चों को इंटरनेट का जरिए वाकिफ करा सकते हैं। अपने मोबाइल में हम मैथ्स हो, इंग्लिश हो, कर्सिव राइटिंग हो, एडिशन हो, नंबर्स हो, अक्षरयान हो, हिंदी हो, साइंस हो, ऐसे कई ऐप्स है जो हम यूट्यूब से, प्ले स्टोर से लेकर, गूगल से लेकर अपने बच्चों को उसका इस्तेमाल करा सकते हैं। जैसे कर्सिव राइटिंग में राइटिंग हो, एडिशन सब्सट्रैक्शन हो, नंबर्स हो, जो भी चीज़ हो हम उनको बच्चों को ऐप्स के जरिए, उसमें क्या होता है बच्चों की उम्र के हिसाब से, उनकी पसंद के हिसाब से, गेम्स के जरिए, म्यूजिक के जरिए, 3D के जरिए बच्चों को इसकी मालूमात दी जाती है। इसके अलावा हम बड़े बच्चों के हिसाब से वेदर का ऐप हो, 3D ब्रेन हो, सोलर सिस्टम को बहुत अच्छे से हम ऐप के जरिए समझा सकते हैं। अगर हम सिर्फ बच्चों को फोटो बताएंगे कि यहाँ पे सूरज है, यहाँ ये है, वो है, वो इतना कारगर साबित नहीं होगा। अगर हम उस पर मबनी वो सारे सैयारे गर्दिश कर रहे हैं, उस पर मबनी वीडियो बताए या उसका ऐप बताए, उसको डिटेल में बच्चे एक एक सैयारे के बारे में डिटेल में सर्च कर सकते हैं, उसके बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं, तो इन ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम जूम ऐप तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं अपनी ऑनलाइन टीचिंग के लिए। यूट्यूब क्लासरूम एक ऐसा ऐप है जिसमें हम अगर ऑनलाइन तालीम तो ले ही रहे हैं, उसके साथ साथ हम बच्चों को इस ऐप में असाइनमेंट भी दे सकते हैं। इसमें होमवर्क देने का सिस्टम भी इस ऐप में मौजूद है, और इसके अलावा बच्चों के क्लास के हिसाब से और सिलेबस के हिसाब से पोएम्स हो, राइम्स हो, किड्स ABCD हो, किड्स एजुकेशन के हिसाब से हो, मराठी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं। और उसके अलावा यूट्यूब किड्स भी एक ऐप है जिसका हम इस्तेमाल करके बच्चों का तदरीस में मौसर अंदाज में तदरीस पेश कर सकते हैं। बायजूस ऐप भी एक प्राइवेट ऐप है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐप है, और इनका सिर्फ हमें इस्तेमाल करके बच्चों को दिखाना पड़ेगा, और हम दिखा रहे हैं, हम ऑनलाइन में हमने ये सब सीखा भी है और बच्चों तक पहुंचाया भी है। तो हमें सिर्फ जैसे बच्चे स्कूल में वापस आ गए तो हमारे सिर्फ लिखना पढ़ने जैसी तदरीस पुराने अपने जो तरीके है उस पर ही नहीं, बल्कि उसके साथ साथ हम ऑनलाइन तालीम भी ले रहे, ऑनलाइन हम बच्चों को शेयर कर रहे, रोज उसको लिंक शेयर कर रहे, बच्चों को उसका मवाद दे रहे, उस पर मबनी वीडियोज और वो दिखाकर प्रोजेक्टर के जरिए, मोबाइल के जरिए, कंप्यूटर के जरिए दिखाकर हमने अपने आप को चेंज किया है, अपनी तदरीस को चेंज किया है। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है हमारी तदरीस में मौजूदा वक्त में। मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया गया, इसलिए मैं तमाम जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करती हूँ। शुक्रिया।
ओवर टू निखत बाजी। हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमसे ज्यादा न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बच्चे इससे ज्यादा वाकिफ है। इंशाल्लाह हम अपनी तदरीस का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे न्यू टेक्नोलॉजी, ताकि तलबा इससे इस्तेफादा हासिल कर सके। खुरतुलैन बाजी ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में हमें ICT के बारे में इंफॉर्मेशन दी, मालूमात फराहम की और नए नए ऐप के बारे में हमें बताए। शुक्रिया बाजी। इसके बाद प्रोग्राम के अख्तिताम की तरफ बढ़ते हुए मैं जनाब फहीम अंसारी सर से गुजारिश करती हूं कि वे इजहार तशक्कुर पेश करें। जनाब फहीम अंसारी सर। अस्सलाम वालेकुम। आज की उर्दू शिक्षण परिषद में मैं मोहतरम जनाब डॉक्टर कलीमगंज शेख साहब, संचालक प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण औरंगाबाद, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह जनाब पांडुरंग चौहान सर, अधिवक्ता डायट औरंगाबाद, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब रामनाथ थोरे साहब, एजुकेशन ऑफिसर महानगर पालिका औरंगाबाद, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और जनाब न्यांदू सांगड़े साहब, APO समग्र शिक्षा अभियान, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसी के साथ आज के हमारे सुलभक, जिन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज से हमें ट्रेनिंग दी, गुलनार तहसीलदार साहिबा का, जो बहुत ही बेहतरीन अंदाज में अपने उन्वान पर उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसी तरह मोहतरमा जनाब रईसा बेगम साहिबा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, कुरतुलैन साहिबा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी के साथ मोहतरमा रशीदुन्निसा साहिबा का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप तमाम टीचर हजरात, सदर मदरसीन और असातिज़ा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यानी एक शॉर्ट